आपके कर कौन, हम आपके हाथों शुभारंभ करना चाहते हैं। चलो हैप्पी बर्थडे टू यू रूबी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रूबी आर्या ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सुबह का बज रहा है 10, आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और दोस्तों आज मेरे लिए बहुत ही खास दिन है और आज का दिन मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। पर कहते हैं ना कि घर में जिसका हो ना उसको सिर्फ याद रहता है, बाकी लोगों को तो कोई उम्मीद ही नहीं है। और ख़ास कि मेरे हस्बैंड जी, अभी वो बाहर में नाश्ता कर रहे हैं, मैं आपको धीरे धीरे बात कर रही हूँ, उनको पता चल जाएगा तो कहीं बोलेंगे कि बताती भी नहीं है। और ये बताने वाली बात थोड़ी है, उनके साथ हम मेरा शादी का हुए 4 साल से ज़्यादा हो चुका है, 5वां साल होने वाला है, उनको खुद ही याद नहीं है। तो आप सब प्लीज़ गेस कीजिएगा। और अभी आपको दिखाते हैं बाहर वो क्या कर रहे हैं। इधर देखिए दोनों बाप बेटे का चल रहा है मस्ती। हेलो, आज ना चना एकदम झकास बनाया है, इसमें डाल दिया चना दाल, अभी भी थोड़ा नाश्ता कर लो, आपको भूख लगी होगी सुबह सुबह। छी, ऐसे हस्बैंड से क्या उम्मीद कर सकते हैं? अरे यार, अभी खाए नहीं, अब नाश्ता छी कर दिया। कितना अच्छा हमको मन था, बस कैसे मेरा पूरा पोपट कर। हुआ क्या, क्या है? कुछ नहीं, चलिए नाश्ता करो, नाश्ता करो। आप कर लिए? हाँ। चलिए, और आज मेरा गुल्लू भी देखिए, कम से कम गुल्लू को देखे तो कुछ याद कर लीजिए। गुल्लू को देखे तो, गुल्लू को देखे गोदी में लिए हैं तो और क्या कर सकते हैं। इनका तो राज है मस्त बाहर एकदम बैठकर, हरी हरी घास देखना यहाँ पे बैठकर। भूख लगा जोर का यार, 10 बजे तो नाश्ता दिया तो खुद अपना नाश्ता कर। सही आप सब बोलते हैं, भूखड़ इंसान है, उनको बिल्कुल भी याद नहीं है कि आज क्या है, कौन सा दिन है। कम से कम यहाँ तो इनको याद होना चाहिए। खैर छोड़िए, बेकार है बोलना भी, बेकार। आज हमको बाहर जाना है, बस हमको इतना पता है। हमको पता है हमको बाहर जाना है, बाकी कुछ पता नहीं है। खैर छोड़िए, आइए नाश्ता निकाल देते हैं। ना मन था भाई, एकदम मन किरकिरा कर दिया। भूखड़ इंसान को दोस्तों हमको बोलते हैं ना, भूख इनको लगी थी जोर का 10 बजे, यही बोलते याद नहीं है क्योंकि हम 14 सुबह से ना मिक्स नहीं किए हुए थे। इनको पता कि मैं पतिदेव परदेश चना को मिक्स करते हैं, सब काट के रखते हैं, इसीलिए इनको वो याद नहीं था। और हमको गरियाया जा रहा था तभी से। क्यों ए मारा राम जी, ऐसे पति देव देखिए आप सब पता है हमको, क्योंकि तो समय पर नाश्ता नहीं मिल पाया वो मेरे वजह से। तो वाकई में सोचे टाइम देखो आप 10:15 बज गए हैं, तो ऐसे में हमें भी नहीं मिला तो यार आज क्या रहेगा। नहीं तो आज बनाया है मोटा मोटा रोटी। मोटा मोटा? हाँ। क्यों? गुस्सा में, हम सुबह से इंतजार कर रहे हैं सुबह से। बट अरे किस चीज़ का गुस्सा भैया, काहे का गुस्सा? हमको समझ में नहीं आता है, कुछ बताते नहीं हो, गुस्सा हो जाते हो तो नाक पर गुस्सा आता है तो नाक को छील दो और कुछ नहीं कर सकते। अरे पहले से कुछ बताओगे तब ना, हमको बस इतना पता है कि आज हमें बाहर जाना है कुछ जरूरी काम से, ये पता है। लेकिन इनका नहीं पता कि क्या इनको जरूरी काम है जो हम पे आपको अचानक से क्या जरूरी काम पड़ेगा जो जाना है? बेबी को लेकर जाना है हमको ना, वो याद है हमको। क्योंकि भाड़ में जाए भगवान सद्बुद्धि दे। चलिए आपको भी बुद्धि दे भगवान। हमको बुद्धि क्या, हमको जो याद है वो तो हम बोल रहे हैं ना, अब ये बार बार जिद करते जा रहे हैं, अब कुछ बता नहीं रहे तो हम क्या जानेंगे क्या है कि नहीं है यार। अभी एनिवर्सरी मनाने में समय है तो क्यों हम उसके लिए इंतजार करें, ये बताओ अभी से इंतजार करें? नहीं कोई बात नहीं, वो तो मत बोलो ना। फिर अच्छा मूड खराब करता है सुबह सुबह आदमी लोग, सुबह चना ऐसा मिस करके कि चाट गए और ऊपर से गाली दे गए, तो यार कम से कम उसका तो शुक्र किया करो। खिलाने के लिए इतना अच्छा खाना खिलाते समय वो कभी थैंक यू बोलते ही नहीं। हमने अभी खाया ही नहीं, कैसा टेस्ट नहीं पता। तो फिर कैसे बोल दे, आपने टेस्ट किया उसके बाद भी हमको नहीं बोला था, सोचो कितना फर्क है। बैठिए, हम लोग ना दोस्तों इसी रूम में खाते हैं क्योंकि यहाँ पर जगह भी अच्छा हो गया है, पहले ना था कंजेस्टेड लग रहा था और यहाँ पर सामने से बहुत अच्छा हवा आता है। तो आज बहुत दिनों के बाद हम लोग जा रहे हैं पनीर का सब्जी खाने के लिए, तो आप सब भी आ जाइए सुबह का नाश्ता करने के लिए। दोस्तों रूबी जो इतना कुछ बोल रही है ना, उसको लगता है कि हमको शायद पता नहीं है और आज उसका बर्थडे, तो उसको हम भी सरप्राइज देना चाहते हैं। उसके पहले आ गए हैं बाबू को लाने के लिए स्कूल में, कभी बेबी नहीं आया है, अभी आएगा उसके बाद उनके लिए कुछ हम ले लेंगे। तो देखते हैं थोड़ी देर में बस आएगा ही अब, और उनको हम भी सरप्राइज देंगे आज। ये देखिए ऋत्विक एकदम दौड़ा हुआ आ रहा है। आजा 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 आजा, चलो ऋत्विक चलो, हाथ में क्या लिया ये? दादू को बाय कीजिए, बोलिए दादू को
यहाँ आते हैं ऋतिक बाहर में बैठ के, और ये अंदर आते ही नहीं है, देखते हैं अंदर से कुछ हम पैक करवा लेते हैं। दो इसको खा दो, आ रहे हैं आ रहे दोस्तों। सामान ले लिया है जो भी हमें जरूरत लगा, और देखते हैं ऋतिक क्या बोलते हैं जब उनको दिखाएं। चलो चलो आ जाओ। हम कब से मार रहे हैं, और मैडम जी अभी गेट खोल रही हैं। लो पकड़ो इसको, पकड़ो पकड़ो ना इसको, रखो ना अंदर, रखो ना। हाँ उतरो, इसको उतार दो। कैसे उतरेगा ये देख, कैसे उतर रही है ये, ऐसे उतर जा गई। अरे बैग बैग से नहीं खोलना चाहिए ये। अरे काफी मिल गया जल्दी से इसको, आज मिल गया, आज कुछ है बात। क्या बात है बेटा, इसको पकड़ो। क्यों खोल रहे हैं रुबी इसको भी? ले है? ड्रेस नहीं खोले। चलो थोड़ा सा तैयार कर दो बाबू को ना, थोड़ा सजाते हैं रूम को। आजा सजाने के लाए हैं यार हम, आपको टेंशन नहीं उसके लेना है, सजा के मैं ले आऊँ। चलो लाए हो, छोड़ो सब ना, क्यों लाया हो, क्यों ये सब बात करना, क्या जरूरी है? अरे वाह बाबू, नया वाला पहना था गंजी, वाह। रुकिए बेटा, क्या कर रहे हैं? ये रहा टेप, और इसी से हम सोचे थोड़ा सा यहाँ पर ना गोदरेज को सजा देंगे आज। गोदरेज कभी सजाया नहीं है ना, तो इस बार हम सोचते हैं, इसीलिए गुब्बारा बन गया है। देखो आप, लेकिन आपके चेहरे पे तो हंसी है। हंसी किस चीज़ का? तो हंसेंगे नहीं तो रोएंगे यार। अब तो बता दीजिए, अब वो सजा रहे हैं। डिस्टर्ब मत ना करो यार, हम बस मैं शौक है सजाने का, सजा रहा हूँ। आपको मना किया मैं? नहीं ना, तो आप मुझे क्यों मना करते हो? सजाने दो ना। मेरे बाबू भी एकदम चॉकलेट दबाए जा रहे हैं। कैसे कट हो गया यार? अच्छा खुल गया, खुल गया, सॉरी ऐसे खुलेगा। तो आप बताओ ना, यहाँ अच्छा रहेगा गोदरेज सजेगा तो ना, सुंदर दिखेगा ना। गोदरेज का अपना बेडरूम सजा दीजिए, किचन रूम सजा दीजिए, हो सके तो रूम भी सजा दीजिए पूरा। क्यों सजाए किचन रूम? तो ये क्यों सजा रहे हैं? हमको शौक है गोदरेज को थोड़ा सा लुक चेंज कर दे बस। ठीक देखो आज हस्बैंड जी पूरा मूड में है। ये कलर भी हो गया और ये कलर भी हो गया, अब सब अलग अलग कलर सोचे थे, फुला देते तो बढ़िया होता, ये कलर नहीं हुआ ना। चलो अच्छा वो सब तो चलता रहेगा सजाने जाने का, हमको ये तो बता दीजिए कि आप किस चीज का कर रहे हैं तैयारी। बल्ले 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 बल्ले, आपको पता है पापा क्या कर रहे हैं? तो आपका क्या खुलाया था मैं क्या डेयरी मिल्क? ये लोग से बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है, पता है ना आपको। देखिए सब्र का फल मीठा होता है, वही तो सब्र कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मेरा मदद कर दो, इससे बढ़िया अच्छा रहेगा, सब्र का कुछ नहीं होगा। जब जब मेरा इतना अच्छा दिन किसी को याद नहीं है तो क्या फायदा मदद करने का? अरे भैया टेप है यहाँ पर, चिपका दो थोड़ा सा, मेरा हेल्प कर दो। पहले फुला के रखिए, अभी जब इनको कुछ हम बोले हैं ना तो जाकर गोदरेज को सर सफाई करना शुरू कर दी। इनको भी लग रहा है अब कि कुछ बड़ा दिन है आज, इसीलिए शायद ऐसा हमारे पति कर रहे हैं। कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा हमको शक लग रहा है, बट कंफर्म नहीं है। कंफर्म नहीं है ना, वही बात है। चलिए खैर कोई बात नहीं, कुछ हमें तो हो सकता है अपने बेबी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमारा बेबी का भी वैसे भी 6 मंथ। वाह मैडम तो गेस करने के ऊपर पहुंच गए हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं, अच्छा है गेस करना ही चाहिए आदमी को, अपने बेबी को लेकर हमेशा आगे रहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। चलो अच्छी बात है, कैची ले दो। हाँ ला दीजिए ना। ज्यादा ऊंचा क्यों करो यार, नीचे करो ना, और थोड़ा सा नीचे करो यहाँ, अच्छा रहेगा। हाँ ज्यादा ऊंचा नहीं करना है हमको, बस इसी के लाइन से आपको सीधा सब चिपकाना है ना। मैं फुलाते जाता हूँ आप चिपकाते हैं, फटफट से मेरा काम हो जाएगा। यहाँ पे शेयर कर देते हैं, छोटा पड़ जाएगा केक यहाँ पे रख देते हैं। अब इसी पे हम लोग आराम से केक कट करेंगे, मस्त हो जाएगा। इनको क्या चाहिए? आइसक्रीम चाहिए। अच्छा पढ़ना है इनको? हाँ तो पढ़िए आप। दोस्तों हम ना आज जो है इस गोदरेज के पास से कुछ केक कट करने वाले हैं, और जिसके लिए केक कट करने वाले उसको पता नहीं है कि क्या हो रहा है, बस उनको ये पता है कि हाँ केक कट हो रहा है। हाँ तो बेबी को हम गोद में लिए हैं, चलिए बेबी के लिए कट। और ये देखिए छोटे बड़े वाले, इनको केक खाना है अभी, तो यार पहले जिसको लिए मैं लाया हूँ उसको पहले केक खिला लूँ ना, इसके बाद सबको खिलाऊंगा। और एक चीज़ गेस करो आप लोग, कोई बेबी तैयार नहीं है ना, ये तैयार है। उनको मैं बोला थोड़ा तैयार हो जाओ, बोले क्यों तैयार हूँ मैं, क्यों इस टाइप में, तो वो छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, आज इसी में सही। कभी कभी ना नया लुक अपनाना चाहिए आदमी को।
चलो फिर, अभी इनको मजाक लग रहा है, बा बा कर रहे हैं, नहीं पता है इसीलिए। तो रूबी आप यहाँ पर खड़ा हो जाओ, चलो ये चम्मच पकड़ो, आजा बेटा इधर पकड़ो बेटा, आजा आजा ही तुम मेरे पास, आजा बेटा आजा, चलो केक कट करो रूबी, आप केक कट करो ना, हम आपके हाथों शुभारंभ करना चाहते हैं, चलो हैप्पी बर्थडे टू यू रूबी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। दोस्तों ये रहा मेरे तरफ से बड़ा सा गिफ्ट, जो कि हम ही नहीं हमारे डुगुर साहब भी काफ़ी ज़्यादा खुश है, वो भी खूब थपड़ी पीटे जा रहे हैं। तो आज था इनका बर्थडे, हम कैसे भूल सकते हैं भला, और हमको याद था, लेकिन सुबह से इनको मिसयूज कर रहे थे, क्यों कि ये देखते एक्शन किया लेते हैं मेरे ऊपर, बस इसी की वजह से आज हमने उस बर्थडे को इस तरह से विश किया। शायद हमें पता नहीं क्या मैंने कैसा किया, लेकिन हम अपने उत्साह से सही करने की कोशिश किए हैं ताकि इनको कुछ अच्छा लगे, नहीं तो हम पहले से ही प्लान रखे हैं बाहर जाने का, वो भी बाहर जाना है डोग चलते। ओ, तभी आप बोल रहे थे कि बाबू को लेके जाएंगे तो आप ही चलिएगा, लेकिन हमको पता नहीं था। चलिए खैर, मेरा छोटा सा सरप्राइज था जो कि इस तरह से पेस्ट्री से हम यूज़ कर दिए, क्योंकि बड़ा केक यहाँ पर खाने वाला कोई नहीं है, ये केक नहीं खाते हैं, बड़े वाले भी नहीं केक खाते हैं, और रहे हम तो हम अकेले कितना केक खाएंगे, इसी के वजह से छोटा सा हमने पेस्ट्री मंगाया, और इसी से मुँह मीठा को पहले करवा देता हूँ मैं अपने हाथों से। हमारी यूट्यूब फैमिली आप सब आ जाइए और रूबी का बर्थडे में शामिल हो जाइए। ये सिंपल सा ही, हम लोग किसी को बुलाए नहीं है आसपास से, क्योंकि मेरा ना ऐसे मूड नहीं था, बस हमको लगा था शौक था कि ये मुझे विश करते तो, बट लेकिन इनका कुछ अलग से सरप्राइज था, इनको हम सुबह से सुनाए जा रहे थे, तो इसलिए दिल से सॉरी। चलो धन्यवाद, वेलकम। आप ना एक काम करो, ठीक है, चलो आप पहले खा लो, आपका बर्थडे है। हाँ थैंक यू, आप सब दोस्तों ने इनको ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा, और जितने हमसे बड़े हैं सबको मेरी तरफ से प्रणाम, और जो हमसे छोटे उनको शुभ आशीष। बस छोटा सा केक है जो सबको खिलाते हैं, आइए डूब इधर आइए, केक खाइए, आइए आइए, देखिए केक खाते हैं कि नहीं दिखाते हैं आपको, लीजिए केक खाइए, केक केक केक, यम्मी यम्मी केक केक। देखिए हमारे घर यही प्रॉब्लम, कोई केक खाने वाला नहीं है, ये निकाल रहे हैं किसी को देने के लिए, बाबू को दे दे रहे हैं जी। हाँ छोटा है तो इसी में हम लोग छोटी छोटी खुशियाँ में खुश रहने की कोशिश करते हैं। ये वो सीधा नहीं खड़ा होगा, गिर जाएगा तो नहीं गिरेगा, सीधा कर दो। हाँ चलो हो गया, खा लो ला आंटी, ले ला बेटू, मम्मा का बजा, आयुष मम्मा आ जाएगी बेटा, मम्मा को फोन कर दे, मम्मा आ रही है बेटा। तो दोस्तों आप सबने देखा कि हमारा छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेट किए हमारे पतिदेव जी, और सुबह से हमको लग नहीं रहा था कि वो करेंगे, बट सिंपल्स वे ही किए, अच्छा भी लगा, और कहते हैं ना कि छोटी छोटी चीज़ें में ना खुशियाँ ढूंढनी चाहिए, तो आई एम वेरी हैप्पी। इधर बाबू का तो चलते रहता है मस्ती, इतना बदमाश हो गया ना, गिलास में और ये बोतल में पानी ले लेंगे, और दिन भर कभी इसमें से धारना कभी इसमें धारना, इनका नौटंकी चलते रहता है, और इतना तेज़ धूप हो गया ना अभी तक, सारा कपड़ा ला के यहीं पर रखे जा रहे हैं, एक कपड़ा सा मोड़ लेते हैं और दूसरी तरफ किचन में चढ़ा दिए हैं हम। और हाँ दोस्तों, आप सबको हमारे हस्बैंड जी का सरप्राइज कैसा लगा, छोटा सरप्राइज दिए हैं, और ऐसे जल्दी हम अपना बर्थडे मनाते नहीं हैं, बट कभी कभी शेयर कर दिए आपके साथ, सोचे कि शेयर छोटी छोटी खुशियाँ बोलते हैं ना, शेयर करनी चाहिए। तो बस आज का ब्लॉग रख करते हैं एंड, फिर मिलते हैं ऐसे ही न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।